अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमेर और आप देख रहे हैं उमेर वर्कशॉप। आज में जो है हैचिंग का 7वां दिन है और 7वें दिन में हमें जो है जहाँ तक रिज़ल्ट आया है वो ये आया है कि नॉर्मली तौर पे हमारे जिन जिन एग्स में फर्टिलिटी थी वो हमें पता चल गए, क्योंकि जिन में फर्टिलिटी नहीं थी, जिनमें चूज़ा नहीं बन रहा तो वो बिल्कुल खाली है। उनमें जो लाइट जब हम मारते हैं ऐसे करके तो आर पार यानी कि बिल्कुल साफ दिख रहा है, तो पूरा का पूरा एग जब वो रोशन हो जाए उसमें कोई भी चीज़ को रोक ना सके अंदर, तो वो फर्टाइल नहीं होता, फिर उनको फेंक देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये हमने रखे थे तकरीबन कोई 8 अंडे, तो उन 8 अंडों में से हमारे कोई तकरीबन जो है तीन या चार जो है हमारे फर्टाइल हैं और जो 4 हैं वो अनफर्टाइल हैं। तो उनका वो जो तरीक़ाकार है चेक करने का पिछली वीडियो में बता देता, सिर्फ ऐसे लेके आप लाइट लगाएं या मुट्ठी में उनको पकड़ के ऐसे पकड़ के आप उनको लाइटिंग कर सकते हैं, उस हिसाब से फिर उनकी जो फर्टिलिटी है उनका आराम से पता चल जाता है। तो अब हम स्किप करेंगे तकरीबन उनका 18वें दिन। 18वें दिन भी कोई इतना कोई नहीं होता, उसमें भी 18 दिन में ये है कि बस अंडे पलटना छोड़ देते हैं और पानी का ये कप जो है एक तरह से या ह्यूमिडिटी को हम बढ़ा देते हैं बस में। अब हम या तो 18वें दिन अपडेट करेंगे या फिर 21वें दिन ही अपडेट करेंगे अगर हैचिंग हो गई इंशाल्लाह, तो फिर वो हैचिंग की वीडियो होगी। तो ये 1 दिन से लेकर 7 दिन तक की जो इनिशियल होती है ये थोड़ी सी समझने वाली होती है, तो इसलिए हमने इस पर वीडियो बनाई थी। तो वो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इससे आपका इनक्यूबेटर या इससे अच्छा इनक्यूबेटर बनाना चाहते हैं तो मेयर्स वर्कशॉप लिख के सर्च करें और तो आपके जो है बड़े ट्यूटोरियल्स आपको दिख जाएंगे, उनको देख के अपना खुद का भी ट्यूटोरियल इनक्यूबेटर बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।